सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एसएम एडिट। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा सीबी फोटो एडिटिंग एंड उसी के साथ आपको कैसे वन क्लिक के अंदर फेस को कैसे गोरा कर सकते हो, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड ड्रेस का कलर भी आपको चेंज करना सिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट एंड तक वॉच करो। एंड वीडियो आपको ज़रा सा भी गाइज पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो भी गाइज चले फिर जल्दी से इस कमाल की वीडियो के ऐप पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख सकते हो मैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड ऐड कर लिया, तो बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हो, तो वीडियो को देखने के बाद जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं ऐड फोटो पर जाकर मेरा फोटो को मैं ऐड फोटो से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस, देख सकते हो मैं फोटो ऐड कर लिया। तो फोटो ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको बड़ा करके बैकग्राउंड के अंदर एकदम अच्छे से आपको सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बड़ा करके एकदम अच्छे से सेट करूंगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रश का आइकन आप लोगों को दिख रहा है साइड में, तो इसके अंदर सिंपल से मैं ब्रश के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, ब्रश का सेटिंग को ओपन करके हार्डनेस को बढ़ाऊंगा। एंड आपको क्या करना है, साइज वगैरह को बढ़ा के आपको कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैं देख सकते हो आप लोग, मैं कुछ इस टाइप से एकदम अच्छे से मैं इरेज वगैरह कर लूँगा बैकग्राउंड को, ठीक है। तो मैं जल्दी से एकदम फटाफट से मैं बैकग्राउंड को एकदम अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, ठीक है गाइस। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं बैकग्राउंड को एकदम अच्छे से इरेज कर लिया हो, तो यहाँ पर डन करूंगा। तो डन करने का आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इफेक्ट टूल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर सिंपल से मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे सिंपल से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने का यहाँ पे दो नंबर पर जो आप लोगों को टूल दिख रहा है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंपल बोलकर जो यहाँ पे टूल दिख रहा है आप लोग देख सकते हो, तो इसके अंदर क्लिक करके मैं लास्ट पर जाऊँगा। सैचुरेशन बोलकर एक आइकन है, इसके अंदर मैं क्लिक करके इसके अमाउंट को मैं सिंपल से ओपन करके इसके अमाउंट को मैं लगभग इसको मैं रखूँगा 85 के आसपास में। इतना रखने के बाद ब्रश के अंदर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, जो मतलब मेरा फेस देख सकते हो कितना ज़्यादा रेडिट हो चुका है, तो फेस के अंदर से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इरेज वगैरह कर लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एकदम अच्छे से इरेज कर लिया, तो यहाँ पर डन करके इसके अमाउंट को फुल्ली हाई कर दूंगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है बता देते हैं, यहाँ पे सिंपल से गाइस यहाँ पे डन पर टैप कर लूँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डन करने के बाद इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो टूल्स का आइकन आप लोगों को दिख रहा है, तो इसके अंदर सिंपल से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट टूल के अंदर आके मेरे मुताबिक से मैं फोटो को थोड़ा सा लाइट एडजस्टमेंट करूँगा, तो सबसे पहले ब्राइटनेस बढ़ा के कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा करके यहाँ पे बढ़ाऊंगा। एंड हाईलाइट को मैं क्या करूँगा, जिस तरह मतलब क्लियरिटी वगैरह को हल्का सा कुछ इस तरीके से बढ़ा के सैचुएशन को हल्का सा बढ़ाऊंगा लगभग यहाँ पे मतलब इतना तक, जैसे आप लोग देख सकते हो। देन ह्यू का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं हाईलाइट के अंदर, तो हाईलाइट को थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करूँगा माइनस। एंड यहाँ पे शेडो को मैं हल्का सा करके यहाँ पे बढ़ा दूंगा लगभग इतना तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं जो टेम्प है इसको मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, जब डन करूँगा, ठीक है। तो डन करने के बाद इतना सारा कुछ हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं आर्टिस्टिक के अंदर, एंड आर्टिस्टिक के अंदर आके मैं लास्ट में यहाँ पे फैटल वन को यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फैटल वन को मतलब फैटल वन को आप अप्लाई करने का इसका जो अमाउंट वगैरह है इसको मैं रख के मैं लगभग इसको मैं 80 या फिर 85 के आसपास इसका जो अमाउंट है इसको मैं रख के यहाँ पे 85 के आसपास रखूँगा। देन यहाँ पे जाऊँगा ब्रश के अंदर, ब्रश के अंदर आके आपको क्या करना है, फेस के अंदर जो भी पार्ट वगैरह आ रहा है मतलब इसका मतलब इफेक्ट का, ठीक है, फेस के अंदर से मैं कुछ इस तरीके से इरेज वगैरह कर लूँगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। सो गाइस देख सकते हो एकदम अच्छे से मैं इरेज कर लिया हूँ, तो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर डन पट्टे आप, तो डन करने के बाद आपको आगे डन कर लेना है, ठीक है। तो डन करने के बाद इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फेस को बाद मतलब वन क्लिक के अंदर ही मैं यहाँ पे स्मूथ वगैरह करूँगा, तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्यूटी वाला टूल के अंदर, यहाँ पे सिंपल से मैं टैप करके यहाँ पे ऑटो वाला सेक्शन के अंदर यहाँ पे टैप करूँगा, ठीक है। तो भाई देख सकते हो वन क्लिक के अंदर ही आपका फेस गोरा एंड व्हाइट हो चुका है, तो इसके अमाउंट को फुल्ली हाई करके यहाँ पे मैं डन करूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंपल से इसको मैं यहाँ पे डन कर लूँगा, ठीक है। तो डन करने का आपको क्या करना है, फेस को और थोड़ा सा गोरा करना है, तो इसके लिए मैं ई वाला फिल्टर के अंदर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से मैं एक मतलब ये वाला फिल्टर को चूज करके यहाँ पे अमाउंट आप लोग कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ, मतलब देख सकते हो आप लोग। तो इसके अमाउंट को मैं रखूँगा 80 के आसपास, देन आपको क्या करना है, सिंपल से गाइस यहाँ पे डन पर टैप मैं पे कर लूँगा, ठीक है। तो फेस भी बहुत अच्छे से गोरा वगैरह हो चुका है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो इस बार मैं क्या करूँगा, हमारे मतलब जो ड्रेस का कलर है आप लोग देख सकते हो, मतलब इसको मैं चेंज करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से मैं ऐड फोटो जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं क्लिक करके ऐड फोटो से एक पीएनजी को मतलब ऐड करता हूँ, ठीक है गाइस।
सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं नॉर्मल सा एक रेड कलर का बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके कुछ इस तरीके से आपको सेट वगैरह कर लेना है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज, तो एकदम अच्छे से मैं सेट करूंगा। देन आपको क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे ब्लेंड के अंदर कर दूंगा इसको मैं। यहाँ पे डार्कन मल्टीप्लाई नहीं गाइज, यहाँ पे डार्कन कर दूंगा। तो डार्कन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से ब्रश के अंदर क्लिक करके यहाँ पे इन्वर्ट कर लूंगा। इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रश को सेटिंग को ओपन करके हार्डनेस को बढ़ाऊंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मतलब आप लोग देख सकते हो शर्ट के अंदर यहाँ पे ड्रॉ वगैरह करूंगा एकदम अच्छे से टाइम देके, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ वगैरह कर लेता हूँ शर्ट के अंदर, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, ठीक है गाइस। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एकदम अच्छे से मैं शर्ट के अंदर कलर वगैरह कर लिया होता है, डन करूंगा। तो डन करने के बाद उसके बाद जाऊंगा यहाँ पे एडजस्ट टूल के अंदर क्लिक करके मैं जाऊंगा यहाँ पे ह्यू के अंदर। ह्यू के अंदर आने का ह्यू का जो स्लाइडर है इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख के, मतलब देख सकते हो बैकग्राउंड का मतलब कलर जो है शर्ट का चेंज वगैरह हो रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से ई वाला कलर को रखूंगा अंदर। आपको क्या करना है यहाँ पे, जिसका सैचुएशन वगैरह इसको मैं थोड़ा सा मतलब फुल्ली हाई कर दूंगा इसका सैचुएशन को। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से गाइज यहाँ पे डन पर टैप कर लूंगा, ठीक है। तो डन करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे डन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में जो ऐप ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है तो इसके अंदर मैं क्लिक करके एक लाइट पिंच को ऐड करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं ये वाला लाइट का पिंच को ऐड कर लिया। तो इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे स्क्रीन कर लूंगा। तो स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके आपको एक साइड से जो ये वाला लाइट का पिंच इसको आपको सेट मतलब सेट वगैरह कर लेना है कुछ इस टाइप से। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको यहाँ पे ब्रश के अंदर एंड ब्रश को सेटिंग को ओपन करके हार्डनेस एंड ओपासिटी को मैं हल्का सा मतलब हल्का सा कम करके जो फेस के अंदर लाइट वगैरह आ रहा है ना इसको मैं हल्का सा करके यहाँ पे इरेज वगैरह कर लूंगा कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज। तो एकदम अच्छे से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इरेज करने के बाद यहाँ पे डन कर लेना है। तो डन करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अमाउंट को 90% रख के देन आपको यहाँ पे सिंपल से इसको मैं डन कर लूंगा, ठीक है। तो डन करने के बाद इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट टूल के अंदर मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे इफेक्ट टूल के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे HDR बोल का जो फिल्टर आप लोगों को दिख रहा है तो इसको आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद इसके अमाउंट को थोड़ा सा कम रखूंगा यहाँ पे कम करके लगभग 20 या 25 के आसपास। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से गाइस यहाँ पे डन पर टैप कर लूंगा। तो डन करने के बाद गाइस देख सकते हो हमारा फोटो एकदम सीबी फोटो एडिटिंग में एडिटिंग हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हो फोटो देखने में कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में गाइस इतना ही था। तो वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।